दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ ये है कि इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में जाके गिरी है। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत की एक मिसाइल 11 मार्च 2022 को इंडिया से निकली और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में जाके गिरी एक कस्बे के अंदर। और इस कस्बे के अंदर जब ये गिरी तो ये हालांकि इसके अंदर कोई हथियार नहीं था, मतलब कि कोई गोला बारूद नहीं था जिससे कि ज़्यादा डैमेज होता, लेकिन इसने बस एक घर की दीवार को जाकर हिट किया और वो दीवार पूरी टूट गई। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने और पाकिस्तान के NSA ने जो हमारे वहाँ पर राजनयिक हैं उनको बुलाया और उनसे इसके लिए काफ़ी गुस्सा किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और इंडिया ने भी इसको एक अपना टेक्निकल फॉल्ट मानते हुए इसके लिए सॉरी बोला। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट इस बारे में, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इंडिया चेक कर रहा है कि हम भाई एक बार चेक कर लेते हैं मिसाइल जाके गिरे और ये पता कर पाते हैं पाकिस्तान वाले कि नहीं। और पाकिस्तान को कब मालूम पड़ा इस बारे में? जब मिसाइल गिर गई, जब मिसाइल ने वहाँ डैमेज कर दिया, और वो भी इंडिया ने खुद बताया कि हमने मिसाइल हमारी गलती से मिस फायर हो गई थी और उधर चली गई उस एरिया में, तो पाकिस्तान जाके ये कह रहा है कि भैया बताया नहीं और हमको डैमेज हो गया। कहीं ये चेक तो नहीं कर रहा इंडिया कि भाई कहीं हम हमला करें तो पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे हमारे मिसाइल्स को ये, क्योंकि मोदी का क्या क्या भरोसा है कल को कर दे हमला। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? मेरी राय तो ये है कि भाई ये गलती से तो नहीं हुआ है, अब बाकी प्लान किया है कि नहीं किया ये मैं नहीं कह सकता। आप लोगों की क्या राय है अपना बताइए, अपना राय कमेंट करिए।